नहीं पड़ रही है। अगर आज हम देखें कि क्यों ये ऐसे हालात हुए हैं, तो उसका पहला कारण है कि सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस, जो किसान की उपज का जो तय किया है, वो बहुत कम है। उससे उसको कोई आमदनी हो नहीं पाती, अपनी मेहनत की कोई कमाई हो नहीं पाती। ये तब है जबकि सरकार की तरफ से बनाए गए स्वामीनाथन कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फसल का, उसको जो उनका उनका जो कॉस्ट है, जितना खर्चा होता है, उससे कम से कम डेढ़ गुना करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया गया। दूसरा कारण है, और इसके और भी कई कारण हैं कि क्यों आज किसानों को इतनी कम कमाई होती है या कमाई होती ही नहीं है, किसानी एक घाटे का सौदा बन गया है। दूसरा कारण ये है कि किसानों को एक तरह का किसानी की तरफ सरकार ने ढकेला है, जिसमें कि उनको बहुत सारे रासायनिक खाद खरीदनी पड़ती है, हर साल वो बढ़ाई जाती है, क्योंकि जो रासायनिक खाद से जो खेत की जो उपज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा सरकार उन रासायनिक खाद की कंपनियों को सब्सिडी देती है हर साल, जो कि अगर गोबर की खाद के लिए, अगर कंपोस्ट के लिए अगर वो 1,00,000 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर करी जाए, तो हिंदुस्तान में पूरे किसानी में, एग्रीकल्चर में एक क्रांति आ सकती है। सिंचाई के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है, बड़े बड़े बांध बनाकर, जिसमें बड़ी बड़ी बांध बनाने वाली कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिल सके, उसके लिए 1,00,000,000,000 रुपया सरकार खर्च करती है, जबकि अगर उससे 10% पैसा सिर्फ हर गांव को कुछ लाख रुपए, वहां की जो बारिश आती है, बारिश का पानी में छोटे छोटे चेक डैम बनाकर और वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए दिए जाए, तो आज हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती, बहुत पहले हो जाती। लेकिन सरकार उससे 10 गुना पैसा 20 गुना पैसा बड़े बड़े बांधों पर, बड़ी बड़ी नहर पर खर्च करती है, जिसमें 40-50 साल लगते हैं, और जिससे कि 10% भी सिंचाई नहीं हो पाई। दूसरा जमीन का सवाल है। आज बहुत सारी जमीन सरकार के पास ऐसी पड़ी है जिसका कि किसानों से अधिग्रहण किया गया, जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया पिछले 100 सालों में, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, रेलवे के पास पड़ी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जो अधिग्रहण किया गया था उसके पास पड़ी है, जो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है, या जो अवैध चीजों के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, बजाय उस जमीन को इस्तेमाल करने के, सरकार की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी ऐसे कानून बना दो कि किसानों से और जमीन हड़प ली जाए। करोड़ों हेक्टेयर ऐसी जमीन पड़ी है सरकार के पास, जो कि जिसको बंजर कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं, जहां पर सिंचाई करी जा सकती है, जहां पर खेती करी जा सकती है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जो जमीन की मांग करते रहे हैं, बहुत सदियों से मांग करते रहे हैं जमीन की, वो जमीन उनको देने के बजाय उसको ऐसे ही बंजर छोड़ दिया गया है। अभी हम लोगों ने यहाँ रेस कोर्स पर का अध्ययन किया कि ये जमीन किसकी है, जो कि जुए के अड्डे के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक प्रधानमंत्री के निवास के सामने, तो पता लगा ये जमीन भी किसानों से जबरदस्ती अधिग्रहण करी गई थी करीब 100 साल पहले, और उसको एक जुए के अड्डे के लिए, वहां पर उसका नाम दिल्ली का रेस कोर्स है, लेकिन वहां पर कोई रेस वेस नहीं होती, वहां पर सिर्फ एक जुए का अड्डा चलता है, जो कि दूसरी जगह जो रेसिंग होती है, घोड़े की रेसिंग, उस पर लोग जुआ खेलते हैं। बजाय उस जमीन को किसानों को वापस करने के लिए, या किसानों का एक मेमोरियल बनाने के लिए, या एक किसान हाट बनाने के लिए, जहां पर
जैविक खेती का एक उदाहरण पेश किया जा सके, उसके बजाय उसको जुए के अड्डे के लिए इस्तेमाल किए जाने दिया जा रहा है। तो ये सब ये दिखाता है कि सरकार का लैंड यूज के बारे में कि यानी कि जमीन का क्या किया जाए, कैसे इस्तेमाल करी जाए, कैसे किसानों के लिए इस्तेमाल करी जाए, इस पर जरा भी ध्यान नहीं है। और ध्यान पूरा ये है कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए किसानों से जमीन छीन छीन कर उन लोगों को दे दी जाए। जिस तरह की खेती चलाई गई है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड वाली, इससे किसानों को कैंसर हो रहा है और हम लोगों को भी जो वो खाना खाते हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। कैंसर फैल रहा है, जमीन की क्षमता कम होती जा रही है, हर साल ज्यादा ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, जिसके लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है। और अगर एक बार भी अगर उनकी फसल फेल हो जाए तो फिर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ सरकार जो है हजारों हजारों करोड़, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने जो बैंकों से लोन लिए, हजारों करोड़ के लोन लिए, उसको माफ करती जा रही है। और दूसरी तरफ अगर किसान 1 लाख का भी कर्जा लेता है बैंक से और अगर नहीं दे पाता, उसकी अगर फसल फेल हो जाए तो फिर उससे वो जमीन उनकी लेकर बिकवा दी जाती है। सारी जो नीतियां हैं सरकार की वो इस आधार पर चलाई जा रही हैं कि किसान का फायदा देखने के बजाय ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा कराया जा सके, चाहे वो रासायनिक खाद की कंपनी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी हो, चाहे वो बड़े बड़े बांध बनाने की कंपनियां हो, उनको कैसे फायदा, चाहे वो बीज की कंपनियां हो। आज मोनसेंटो जैसी कंपनियां जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिन पर उन्होंने अपना पेटेंट बना रखा है, उसको बेचना चाहती। इस पर पूरे दुनिया में काफी अध्ययन हो चुका है जिसमें यह पता लगा है कि इससे तरह तरह के नुकसान होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार मोनसेंटो के दबाव में आकर ये चाहती है कि ये सारा बीज का कारोबार एक कंपनी को सौंप दिया जाए। तो अब क्या करने की जरूरत है? हमको ये मांग, हमारी एक ये मांग है किसानों की तरफ से कि सपोर्ट प्राइस जो है फसलों का, जो स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि भाई जो उनका खर्चा होगा उससे कम से कम डेढ़ा किया जाए, वो होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके लिए जो सरकार सब्सिडी रासायनिक खाद पर देती है उसके लिए, उसके बजाय जैविक खाद के लिए वो सब्सिडी दी जाए। हमारी ये मांग है कि जो लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े बांध के लिए खर्च किया जाता है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिया जाए। हमारी ये मांग है कि बार ये जो भूमि अधिग्रहण का कानून, जिसमें कि यूपीए सरकार ने एक अच्छा काम किया कि 2013 में एक कानून बनाया जिसमें कि 70 से 80% लोगों की सहमति की जरूरत होती है और एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत होती है, उसको भी ये मोदी सरकार ऑर्डिनेंस के द्वारा पलटना चाहती है। ऑर्डिनेंस क्योंकि राज्यसभा में वो पास नहीं करा पाए, तो अब ये चाहते हैं कि राज्य, जहाँ पर भाजपा की सरकार है राज्यों में, वहाँ पास कराकर उन राज्यों में लागू करा दे। हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं, इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो जमीन सरकार के पास ऑलरेडी है उसका ठीक इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा? अभी तक तो हम ये देखते आए हैं कि सरकार किसानों का बिल्कुल सोचती नहीं है। चाहे ये सरकार हो, पिछली सरकार ने कम से कम एक अच्छा काम किया था कि भूमि अधिग्रहण के कानून को बदला था, लेकिन आमतौर पर किसानों के बारे में सोचने के बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सोचा जाता है। तो हमको संगठित होना पड़ेगा, सिर्फ किसानों को ही नहीं, हर नागरिक को संगठित होना पड़ेगा, किसानों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही हम सबका अन्नदाता है। अगर किसान खत्म हुए इस देश में तो हम सब खत्म होंगे।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब संगठित होकर किसान के लिए खड़े हों और ये सब मांग करें और सरकार को और संसद को मजबूर कराएं कि ये सब मांग हमारी स्वीकार करी जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस दिन ये जय किसान आंदोलन के समर्थन में इस देश के लाखों करोड़ों लोग खड़े हो गए, उस दिन सरकार को सुनना पड़ेगा। और वो दिन जरूर आएगा जब खिलाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद। साथियों, अब हम चाहेंगे चौधरी हरपाल सिंह